हम यहाँ से चले जाएं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये क्या कर रहा है? उफ़ अल्लाह। यहाँ से नीचे जाते हैं और उफ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह। नहीं बात करना चाहते आप? अस्तग़फ़िरुल्लाह। ज़की ये देखी। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ नजफ राजा। और मैं हूँ सकी अब्बास। नाज़रीन, आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं, एक ऐसी इमारत में मौजूद हैं जहाँ पर जो कि 7-8 साल पहले इमारत तामीर के लिए शुरू की गई लेकिन आज तक नामुकम्मल है। इसकी वजह ये भी बताई जाती है, हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर जो मजदूर काम करने के लिए आए थे उनके साथ कुछ ऐसे वाकयात रुनुमा हुए जिसकी वजह से मजदूरों ने काम करना छोड़ दिया, और मजदूर जब काम करना छोड़ा तो दूसरे जो देखने वाले दूसरे मजदूर थे उन्होंने भी नजफ साथ ही साथ काम करना छोड़ दिया। बिल्कुल ज़की, आप ठीक कह रहे हैं। और ये बात ऐसी हुई है कि जो मजदूर यहाँ पे काम करते थे उन्होंने काम करना तो छोड़ा ही, साथ ही साथ कुछ उनके साथ असरात मौजूद थे मजदूरों पर जो थे वो उनकी खानदान और उनकी फैमिली तक भी ये थे। ऐसी क्या वजह है कि ये इमारत जो है खाली है, वीरान है, मुकम्मल नहीं हो पाई? यहाँ पर गैर मरी मखलूक हैं, आसेब हैं। इस चीज़ की तहकीकात करने के लिए आज हम यहाँ पर आए, हकीकत जानते हैं कि या यहाँ पे सच में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं या नहीं। बग़ैर वक्त ज़ाया किए अपनी तहकीकात का आगाज़ करते हैं। जी ज़की, बिल्कुल मूव करते हैं यहाँ पर जो है वो आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ और क्या वजह थी जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ पर जो आज तक इमारत नामुकम्मल है। अभी हम बिल्कुल एंटर हुए हैं और सिर्फ स्टेयर्स नीचे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये रीडिंग दे रहा है हमें। ये देखिए, मुसलसल रीडिंग आ रही है, मुसलसल रीडिंग। उफ़ अल्लाह, सकी देखे नीचे, नीचे से इस कदर स्मेल आ रही है, इस कदर बदबू है। मुसलसल जो है वो रीडिंग, ये मुसलसल रीडिंग आ रही है और ये मीटर जो है वो जो हिट कर रहा है। इसके अलावा सके एक अजीब सी बू आ रही है और गंद देखें आप नीचे, पता नहीं कितने सालों से, ये पता चल रहा है कि काफी सालों से ये जगह बंद है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आगे जो है वो मूव करते हैं, इसे जो देखते हैं। अच्छा नजफ, एक चीज जो है वो ऐसे लग रही है जैसे ये, अच्छा कितना दलदली हुआ हुआ है, शायद यहाँ पर गंद भी काफी गंद तो है। जो इस तरह की चीजें होती है वो गंद भी ज्यादा जो है वो उनका बसेरा होता है, तो ध्यान से जरा। अच्छा पाँव ना अंदर धस रहा है ज़की, पाँव अंदर धस रहा है, जहाँ पे आप पाँव रख रहे हैं ना पाँव अंदर जा रहा है, जिस तरह कोई जकड़ रहा हो। ये मुसलसल रीडिंग मिल रही है हमें, मुसलसल रीडिंग मिल रही है। ये मुसलसल रीडिंग आ रही है, मुसलसल रीडिंग आ रही है। ये फोकस पे जब हम स्टेयर्स से नीचे उतर रहे थे उस वक्त आई, उसके बाद आना रीडिंग बंद हो गई है। और आप ये देखिए मुसलसल रीडिंग जो है वो अभी भी आ रही है, ये मुसलसल रीडिंग आ रही है। रीडिंग और ऊपर से जब हम नीचे स्टेयर्स उतर रहे थे उस वक्त रीडिंग आई है और साथ में मतलब ये शुरुआत में मामला, और आप देखिए मुसलसल यहाँ पे रीडिंग आ रही है। जबकि मामला काफी संगीन है और शुरुआत में अगर ये चीज आगाज में ये चीज है तो आप देख लें आगे, अल्लाह खैर करे कि सब ठीक रहे और खैर हो। ये देखे नाजू, इस वक्त जो है वो बिल्कुल जो है वो आपके सामने ENF आपके सामने है और रीडिंग मुसलसल आ रही है। जब हम नीचे उतरे थे उस वक्त जो है वो रीडिंग इस एक दफ़ा आई है और उसके बाद आना बंद हो गई, जबकि अब या अभी यहाँ पे हम पहुँचे और स्मेल बहुत ज़्यादा है और ये आप देखें रीडिंग आना बंद हो गई है, साथ में जिस तरह से कुछ चीज़ मूव कर रही है। वहाँ पे चलें देखते हैं, वहाँ पर कुछ रिफ्लेक्शन मुझे नज़र आ रहा है, साया, और आगे काफी पानी है, पानी भी है और शायद यहाँ पे जो एक अरसे से ये बंद इस तरह से पड़ी है और उसका कुछ मूवमेंट हुई है। ये मूवमेंट हुई है कुछ, ये कोई किसी चीज के गिरने की आवाज़ आई। बिल्कुल मूवमेंट हुई है, बकायदा तौर पर आवाज आई है। ये देखिए ये किस तरह से अजीब सी स्मेल है, और ये देखिए ये मुसलसल रीडिंग मिल रही है, जैसे कि ये चीज़ बहुत सीरियस मामला है यहाँ पर। आप वहाँ दिखा सकते हैं, वो सामने देखिए कितने जाले हैं,
कितने जाले हैं, बेशुमार, और नीचे पानी ही पानी है। और रीडिंग जो है वो बिल्कुल अभी तक मुसलसल कॉन्टिन्यूसली ये रीडिंग जो है वो आ रही है। ये नाज़रीन इस वक्त देखें, ये यहाँ पे जो है वो मुसलसल रीडिंग आ रही है, और एक जो है ये अब आना बंद हो गई है। और जाले की ये देखें, जाले जाले, मतलब आप सोच सकते हैं यहाँ पर किस कदर ये चीज़ें मौजूद हैं। और आते साथ जो हमें एक साउंड आई है वो किस चीज़ की थी? ये मैं इस चीज़ से जो है वो किस चीज़ की हो सकती है, क्योंकि अभी उसी वजह से आप देख रही होंगे कि मुझे जो है वो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। इस ये एक वजह ये कैसी है, क्योंकि खौफ जो है वो बड़ा अजीब सा खौफ महसूस हो रहा है यहाँ पे इस इमारत में। और सबसे बड़ी बात, आपको पसीना तो आ रहा है लेकिन आप एक देख रहे हैं यहाँ पर एक गर्मी नहीं, खुनकी सी है, अजीब सा एहसास है, आप इसे ठंड भी नहीं कह सकते, लेकिन फिर एहसास है किसी चीज़ का। फिर भी जो पसीना है वो एक खौफ की वजह से, या फिर एक ऐसी जगह पे जहाँ पर हम मौजूद हैं, और एक खौफ तो सारी सी बातें ऐसी जगह पर होता ही है। बस अल्लाह का नाम लेकर हमने ये काम शुरू किया, और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो बखैर अफियत हम जो है वो यहाँ से अपनी तहकीकात का आगाज करके जो है वो कंप्लीट करके जाएंगे। ये जरा दिखाएं इधर, ये देखें, उफ अल्लाह, वो देखें अंदर पिलर देखें आप, वो सामने, अस्तगफिरुल्लाह, तो ये देखें यहाँ पर तो आ ही रही। अच्छा जकी, एक बात है, मुसलसल आ रही है, मुसलसल आ रही है यहाँ पर, देखिए, और ये जाला देखिए, ये देखें, ये बना हुआ है, बिस्मिल्लाह, ये जो जाला है ये बुना हुआ है, मतलब यहाँ पे कितने सालों से कोई नहीं आया नाज़रीन, कोई भी नहीं, और ये बंद है जगह, नीचे सैलाब आया हुआ है, गंदगी है, बू है, और मुझे अब तक 3 दफ़ा ऐसा लग चुका है कि वहाँ से कोई गुजरा है, मुझे एहसास हुआ है इस चीज़ का कि अभी यहाँ से कुछ गुजरा है, शायद कहीं लाइट थी जकी, कोई हेवला था, कोई साया था जो नज़र आया और एकदम गायब हो गया। और मुझे बार बार एक चीज़ ऐसे महसूस होती है जैसे कोई जाला होता है, तो यहाँ पे बुने हुए जिस चीज़ जो इस चीज़ का एविडेंस है कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया है। यहाँ पे आके मूव करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, मुझे है कि ध्यान से, बहुत ध्यान से, नीचे फिसलन है, कीचड़ भी है काफी, ध्यान से काम करेंगे। ये देखें, ये मुसलसल जो है वो अब उसके बाद आना यहाँ पे बंद हो गई थी, जबकि यहाँ पे इस जगह पे पहुँचते ही साथ ही रीडिंग जो है वो मुसलसल आ रही है यहाँ पे। अच्छा जकी, मैं ये बात नोट कर रही हूँ कि ये मलबा गिरा हुआ है बिल्कुल, और कई सालों से ये मलबा इसी तरह मौजूद है, इसी तरह अपनी हालत में है, और यहाँ पर अभी तक कंस्ट्रक्शन का काम नहीं शुरू हो सका। ऐसी यहाँ पर कुछ है जो जिसकी वजह से ये मामला है, हमें महसूस भी हुआ है यहाँ पर साए, और कुछ आवाज़ भी आई थी, मुझे नहीं पता रिकॉर्ड हुई है या नहीं, एक बहुत अजीब सी आवाज़ थी, इस तरह से और मुसलसल रीडिंग का आना, ये देखा आपने कोई चीज़ इस तरफ से जैसे कोई दौड़ की चीज़? अच्छा, मुझे नहीं, आपको फील हुआ? मुझे ऐसा बिल्कुल ऐसा, और यकीन जाने जब आप वहाँ थे तो मुझे महसूस हुआ था कि कोई लाइट या साया सा गुजरा, जैसे यहाँ से कोई गुजरा, बिल्कुल मुझे ऐसा एहसास हुआ है, जिसके फौरी तौर पर अगर कैमरामैन अगर कैप्चर कर पाया हो, क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस, एक अच्छा खासा एहसास हुआ है कि जैसे कदमों की चाप दौड़ता कोई जो है, ध्यान से, बहुत ध्यान से, ये जगह कुछ इस तरह की है, और गर्द आप नाज़रीन ये गर्द देख सकते हैं, और ये जाले देख सकते हैं यहाँ पर, जो पता चला रहे हैं कि ये काम काफ़ी टाइम से रुका हुआ है, और वजूहात जो आज हम जानने के लिए आए हैं कि यहाँ पर क्या हैं, और हमें कुछ शवाहिद भी मिले हैं इस चीज़ के, और मुझे उम्मीद है कि कैमरामैन ने रिकॉर्ड किए होंगे और हुए होंगे उसमें। इधर से एक बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ी इमारत है, बहुत बड़ी इमारत है, एग्जैक्टली मैं यही चीज़,
سکی؟ کون ایسی اسے؟ بہت آرام سے، بہت آرام سے پیچھے چلتے ہیں. یہاں باقاعدہ آواز آ رہی ہے، باقاعدہ آواز آ رہی ہے ناظرین، باقاعدہ آواز آ رہی ہے، جس طرح کوئی آپس میں بات کر رہا ہے، باقاعدہ آواز آ رہی ہے. ناظرین یہ دیکھیں، اس وقت جو ہے وہ مسلسل یہاں پہ بھی ابھی اس نے جو ہے وہ نجف نے اشارہ کیا اس طرف کے، اس طرف سے آواز آ رہی ہے. اور یہ دیکھیں یہ ریڈنگ جو ہے وہ مسلسل ریڈنگ اس طرف سے آنا شروع ہو گئی ہے اور بہت تیزی کے ساتھ. یہ سکی جب ہم بول رہے تھے، میں نے کہا آواز آ رہی ہے، ایک دم خاموش ہوگی وہ چیز. اور یہ دیکھیں ای ایم ایف کی ریڈنگ، ای ایم ایف کی ریڈنگ اس طرف سے آ رہی ہے آواز. لیکن یہ اگر کیمرہ مین اس کو کلوز کرے تو یہ دیکھیں، یہ جو میٹر ہے یہ اس کی، یہ دیکھیں غور کریں میٹر، یہ دیکھیں